नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंगल और यूनिक प्लेटफॉर्म के इस करंट अफेयर्स शो में। आज है 10 अक्टूबर 2018 और 10 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स के प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म टीम वेलकम्स यू इन दिस करंट अफेयर्स शो। टुडे इज 10th October 2018 एंड वी विल डिस्कस द करंट इवेंट्स इन दिस करंट अफेयर्स शो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद अ ब्यूटीफुल थॉट एंड द थॉट इज Never stops learning because life never stops teaching। कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी कभी सिखाना बंद नहीं करती। With this wonderful thought, let's begin with our current affairs quiz। The very first question is, what will be India's growth rate in fiscal year 2018 projected by IMF? And it will be 7.3% in 2018 and 7.4% in 2019। Now let me give you the basic information about IMF. Headquarter of IMF is in Washington DC, and the MD of IMF, that is managing director, is Christine Lagarde. Now the same question in Hindi. IMF के आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारत की विकास दर क्या रहने वाली है? और ये रहने वाली है 7.3% 2018 में और 7.4% 2019 में। IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और IMF की MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टीन लगार्ड। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू। विच सर्विस इज गूगल शटिंग डाउन फॉर नियरली 10 मंथ्स? एंड द सर्विस विच विल बी शट डाउन फॉर नियरली 10 मंथ्स विल बी गूगल प्लस। नाउ let me give you the basic information about Google. CEO of Google is Sundar Pichai and the parent company of Google is Alphabet Inc. dot. Now same question in Hindi. Google अपनी किस सेवा को 10 महीने के लिए स्थगित कर रही है? ये सेवा है गूगल प्लस जो 10 महीने के लिए स्थगित की जाएगी। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई और गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट INC डॉट। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर थ्री। वेयर हैज़ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2018 कंक्लूडेड? एंड इट हैज़ जस्ट कंक्लूडेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज लखनऊ। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश CM ऑफ उत्तर प्रदेश इज योगी आदित्यनाथ। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इज राम नाइक and the capital is Lucknow। Now same question in Hindi। India International Science Festival 2018 का समापन किस शहर में हुआ है? और ये हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल हैं राम नाइक। Now let me show you on the map of India, the map of Uttar Pradesh, which has been highlighted with the dark red color। इस भारत के मानचित्र में आप उत्तर प्रदेश का नक्शा देख सकते हैं जो गहरे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। Now let's discuss question number 4। When was the World Post Day celebrated? It was celebrated on 9th October। It is celebrated every year on the same day, that is 9th October। विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? यह 9 अक्टूबर को मनाया गया, जो हर साल इसी दिन 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान्स रिसेंटली टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल? एंड द नेम ऑफ दिस मिसाइल इज गौरी। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। PM ऑफ पाकिस्तान इज इमरान खान। President of Pakistan is Arif Alvi and the currency is Pakistani Rupiah। Now the same question in Hindi।
हाल ही में पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपित परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का क्या नाम है? और इसका नाम है गौरी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नाउ क्वेश्चन नंबर बिफोर क्वेश्चन नंबर सिक्स लेट्स हैव अ लुक ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान विच हैज बीन हाईलाइटेड विद द येलो कलर ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड। इस मानचित्र में विश्व के मानचित्र में आप पाकिस्तान का नक्शा देख सकते हैं जो पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर सिक्स हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंडिया वेस्ट अफ्रीका कॉन्क्लेव इन नाइजीरिया एंड द पर्सन हु हैज रिप्रेजेंटेड इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स दैट इज सी आर चौधरी। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट नाइजीरिया। कैपिटल ऑफ नाइजीरिया इज अबूजा। Currency is Nigerian Naira and the president of Nigeria is Muhammadu Buhari. Now same question in Hindi. नाइजीरिया में भारत पश्चिमी अफ्रीका सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? और ये किया गया है भारत के वाणिज्य राज्य मंत्री सी आर चौधरी के द्वारा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। अबूजा। नाइजीरिया की मुद्रा है नाइजीरियन नाइरा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं मुहम्मद बुहारी। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेवन Before question number 7, let me show you the map of Nigeria on the map of world which has been highlighted with the green color and it is situated in the Africa continent. आप देख सकते हैं नाइजीरिया का नक्शा विश्व के मानचित्र पर जो हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। Now let's discuss question number 7. When is Centre issuing the sovereign gold bonds and these will be issued from October to February 2019 every month. These are issued to maintain the flow of gold in the country. केंद्र सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड कब से जारी करेगा? और ये करेगा अक्टूबर से फरवरी 2019 तक हर महीने ताकि बाजार में स्वर्ण यानी सोने का फ्लो बना रहे। Now let's discuss a few questions from the world of sports. खेल की दुनिया से कुछ प्रश्न। Who has clinched India's first ever gold medal at Youth Olympic Games? And it has been clinched by Jeremy Lalrimga, who is a weightlifter. भारत की ओर से यूथ ओलंपिक गेम्स में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? और ये जीता है जेरेमी लालरिमगा जो भारोत्तोलन करते हैं। Next question: Who is the first judo medalist at the Olympic level for India? And it is थंगन तबाबी देवी। भारत की ओर से जूडो में ओलंपिक स्तर पर पदक जीतने वाली महिला कौन बन गई हैं? और ये बन गई हैं थंगन तबाबी देवी जिन्होंने रजत पदक पर कब्जा किया। शी हैज वॉन सिल्वर मेडल इन जूडो। दैट्स ऑल इन दिस करंट अफेयर शो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म। थैंक यू। धन्यवाद।